वेलकम टू माई चैनल, माई नेम इज़ ओमकार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके अकाउंट्स पेपर से रिलेटेड, 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स पेपर से रिलेटेड उसका पेपर पैटर्न। ठीक है, आपका जो अकाउंट्स का पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स का जो होगा वो आपको इंटरनल मार्क्स जो है दिए जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस पे। रिटर्न पेपर जो होगा वो आपका 80 मार्क्स के लिए होने वाला है। ठीक है, 80 मार्क्स के लिए आपको टोटल 7 क्वेश्चंस आंसर करने होंगे, जिसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 15 मार्क्स का ये होने वाला है। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस है। 5 सब क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको Any 3 अटेम्प्ट करने हैं। Any 3 सब क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा आंसर इन 1 सेंटेंस, सेकेंड होगा राइट अ वर्ड और अ फ्रेज और अ टर्म विच कैन बी सब्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। थर्ड जो इसमें क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक दिया रहेगा जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई भी एक ऑप्शन को आपको फिल करना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन होगा ट्रू और फॉल्स एंड फिफ्थ होगा प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी इसमें मेरे हिसाब से आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, तो फर्स्ट आपको प्रेफरेंस इन 3 क्वेश्चन को देना चाहिए। कौन से? ये 1 वर्ड, सेकेंड MCQ टाइप क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक एंड थर्ड इज ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये 3 क्वेश्चन में से अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से कुछ नहीं आता, देन यू गो फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं आता, देन यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू आंसर 1 सेंटेंस। ठीक है, लेकिन फर्स्ट आप अटेम्प्ट क्या करोगे, फर्स्ट आप क्या ट्राई करोगे अटेम्प्ट करने का? तो क्योंकि ये बेस्ट मार्क्स मिलने के लिए ये बेस्ट 3 क्वेश्चन है, 15 out of 15 मिलने के लिए ये 3 क्वेश्चन जो है वो बेस्ट है। कौन से? 1 वर्ड वाले, MCQ वाले एंड थर्ड इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, 8 मार्क्स का है सिंगल एंट्री। इसके अगेंस्ट आपको जो ऑप्शन में होंगे 2 थियरी क्वेश्चन होंगे ऑप्शंस में। ठीक है, अगर आपका सिंगल एंट्री चैप्टर आपको नहीं आता तो आप 2 थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, पर मेरा सजेशन यही होगा कि आप सिंगल एंट्री अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इजी टॉपिक है, उसमें आपको 8 out of 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है, अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन राइट होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल एंट्री, 3 प्रॉब्लम ऑन एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो भी एडमिशन एंड रिटायरमेंट डेथ चैप्टर में से ही होगा, तो इन 3 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसके अगेंस्ट ऑप्शन नहीं है किसी और चैप्टर। ठीक है, तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ अश्योर करना कि आप करके जाओ। 10 मार्क्स का सम आने वाला है इन 3 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर पे। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना होगा, कंपलसरी क्वेश्चन है ये। 5th जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अगेंस्ट ऑप्शन में होने वाला है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो होगा अराउंड 12 मार्क्स के लिए। और जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा फाइनल अकाउंट्स, आपका फेवरेट चैप्टर, 15 मार्क्स के लिए। याद रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो 12 मार्क्स का आएगा उसके अगेंस्ट कोई ऑप्शन है नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट कोई ऑप्शन है नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन है। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के अगेंस्ट ऑप्शन तो है, लेकिन एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ इन्हीं चैप्टर्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपको करके जाने होंगे। तो आपने पेपर पैटर्न देख लिया है 12th का अकाउंट पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको 5 सब क्वेश्चन होंगे, 3 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम होने वाला है 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, ऑप्शन में भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपलसरी क्वेश्चन, नो ऑप्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना पड़ेगा। 5th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड, इसके खिलाफ ऑप्शन में है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न NPO। ठीक है, 12 मार्क्स का सम, ऑप्शन नहीं है इसके अगेंस्ट कोई भी, पढ़ के जाना पड़ेगा NPO, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7
फाइनल अकाउंट्स आपका फेवरेट चैप्टर 15 मार्क्स के लिए, इसके अगेंस्ट भी कोई ऑप्शन है नहीं। थैंक यू दोस्तों।